वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के ऊपर जिसका नाम है विंसर मशीन लिमिटेड। मेरे पास किसी का कमेंट आया था तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, और जब मैंने शेयर को ओपन किया तो इसकी जो डे की क्लोजिंग थी वो करीब 8.9% लो पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी थी। अब एक बार इसके अगले टारगेट से पहले एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं फोरकास्ट पे आता हूँ। आपके सामने किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है, उसके बाद देखते हैं फाइनेंस के ऊपर। जैसे ही मैं फाइनेंस के ऊपर आए, 2018, 19, 20 और 21 लास्ट 4 ईयर का फाइनेंस ईयर आपके सामने। 2018 में इसका जो टोटल रिवेन्यू था 408 करोड़, जो 2019 में 359 करोड़ रह गया था, और 2020 में 294 और 2021 में 315। आप देखोगे कंपनी को लगातार इसका रिवेन्यू कम हो रहा था, पर 2021 में इसका रिवेन्यू बढ़ा है। अब देखते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम पे जैसे ही हम आए हैं, 2018 में आप देखोगे इसका जो प्रॉफिट था 12 करोड़ था, जो 2019 में इसे 3 करोड़ का लॉस में हुआ था, और 2020 में लॉस और ज़्यादा बढ़ा था, पर 2021 में ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आई है। अब देखते हैं होल्डिंग। अब आपके सामने जो प्रमोटर की होल्डिंग 58.5% होल्डिंग प्रमोटर की है, उसमें से प्रमोटर ने करीब 30% होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। इसके म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग पर बहुत कम है, DI की होल्डिंग भी काफ़ी कम है, FI अपना पैसा निकाल चुका है। उसके बाद जो बाकी होल्डिंग है वो पड़ी रिटेल और अदर पार्टी के ऊपर। अब इसका जो पैटर्न है आप देखोगे, लास्ट 2020 से प्रमोटर की होल्डिंग 58% है, पर प्रमोटर की जो होल्डिंग हमारे पड़ी है 28%, जिस पे प्रमोटर कंट्रोल है वो एक स्टेबल होल्डिंग है। और कंपनी को लास्ट ईयर थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ था, कंपेयर करोगे पिछले आप 2 साल की कंपेयर करोगे तो उसमें लॉस था, पर इस बार एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। अगर इस कंडीशन से आप अगर देखना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग कर सकते हो पर इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। नॉर्मल एक अच्छी बात है, कंपनी प्रॉफिट में आई है। अभी के लेवल देखते हैं इसका। अभी का लेवल है इसका 32.85 रुपये, और जो इसका सपोर्ट आ रहा है ना, ये आ रहा है करीब 28 रुपये के आसपास सपोर्ट आ रहा है। अगर 28 रुपये के नीचे अगर ये कभी भी जाता है तभी इसमें कोई बड़ी गिरावट आ सकती है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रॉन्ग SL है। कोई भी अगर इसे ट्रेड करेगा तो 28 रुपये के SL के साथ ही ट्रेड करना, और अभी के टाइम में अगर कोई इसमें पैसा लगाना चाहता है तो मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करें, क्योंकि शायद हो सकता है ये 30 रुपये से एक रिकवरी करे, पर एक बार हमें देखना पड़ेगा मार्केट के एक दो दिन का इसका ट्रेड कैसा रहता है। एक 32 रुपये का स्ट्रॉन्ग SL है। लास्ट टाइम 15 जुलाई को यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, तो काफ़ी हद तक चांस है कि 32 रुपये से ये अपसाइड शेयर जाए और यहाँ से एक सपोर्ट लेके एक शेयर ऊपर भी जा सकता है। पर एक स्ट्रॉन्ग SL जो मैंने को बता रखा है कि वो 28 रुपये का, उसे ब्रेक नहीं करना, और जब तक ये शेयर पॉजिटिव में नहीं जाता किसी दिन तब तक इस पर अभी के लिए कुछ नहीं है। पर अभी के लिए आप अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का आपका प्लान है तो 28 रुपये का SL रखे इसके ऊपर। मैं लिख भी देता हूँ 28 रुपये का SL है, एक स्ट्रॉन्ग SL, इसे ब्रेक करना मुश्किल है, और काफ़ी हद तक चांस है कि कल 32 रुपये से रिकवरी करे जो इसका करंट प्राइस है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।